Hi kids, this is Swati, and I'm back with English Channel book where we are doing Unit 4 section C. And the name of this Kashmiri folk tale, which is a drama, is When the Fish Laughed. In our previous video, we have already seen the explanation of this drama, which was hilarious. Don't you agree with me? Yes. So, yes, welcome back to Magnet Brains and let's start with the summary and question answers of this chapter. Now summary in this story, a queen calls a fisher woman who is selling the fish. The queen refuses to buy the fish when the fisher woman tells her that it's a male fish. तो so, इस story में एक जो queen होती है, वो एक fisher woman को बुलाती है उससे मछली खरीदने के लिए. अब जब fisher woman आती है, तो queen उससे पूछती है कि भाई मछली male है या female है. तो वो बोलती है male है तो जो queen है वो मना कर देती है. As the the queen refuses, the fish laughs out loud. अब queen क्यों refuse करती है क्योंकि king के अलावा कोई आ नहीं सकता लेकिन जैसे ही ये कहती है, तो अचानक से fish हंसने लग जाती है जोर से The laughing fish offends the queen. और ये जो हंसती हुई fish है ये queen को बहुत hurt कर देती है who is both hurt and teary-eyed? और queen जो है वो रोते हुए अपने chamber में चली जाती है

the minister was read about the strange incident in turn gives the task to his son ab minister jo hota hai wo bada pareshan ho jata hai to wo kya karta hai ye task apne bete ko de deta hai there is a well to do farmer in the village who has a comely and extremely intelligent daughter अब एक जो है village में एक well-to-do farmer होता है मतलब एक अच्छा खासा गरीब farmer की बात नहीं कर रहे हैं वेल टू डू मतलब जो अच्छा खासा कमाता है वो फार्मर होता है जिनकी एक बहुत ही समझदार

इमपर्सोनेटर तो जैसे ही वजीर का सन जो है वो ये चीज सुनता है तो वो जाता है अपने फादर को बताता है एंड देन टू टू यू नो कैच द इमर्स कैच द इमर्सोनेटर इमपर्सोनेटर मतलब बहरूपिया जो है भेष बदल के आया हुआ है वहां पे तो उस इनपर्सोट को कैच करने के लिए वो लोग क्या करते हैं एक फीस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं जहाँ वो मेड्स के लिए एक गेम रखते हैं अब क्वीन वो जो किंग है वो क्या बोलते हैं वो जितनी भी मेड्स हैं इसको हम वुमेन की जगह हम एक काम करते हैं इसे मेड्स लिखते हैं किंग be तो जो है क्वीन के सारी मेड्स को ऑर्डर करते हैं कि आप सबको एक वहां फ्रेशली डग पिट होता है उससे जंप करना है और जो जंप करेगा उसको थाउजेंड मोहर मिलेगी नो वन बट द मैन इन दिस गाइज वॉज एबल टू जम्प अक्रॉस द पिट कोई भी जंप नहीं कर पाया सिर्फ एक आदमी को एक की जगह जो कि एक्चुअली में एक मैन था सो ही वॉज कॉट और इसलिए वो पकड़ा जाता है द किंग द वजीर एंड हिज सन विद वजीद गोल्ड एंड ज्यूल्स और जो किंग है वो उस वजीर और उसके बेटे को रिवॉर्ड करता है बहुत सारा इनाम देता है वो उसको जमीन देता है लैंड देता है गोल्ड देता है और ज्यूल्स देता है सो दैट इज द शॉर्ट समरी ऑफ स्टोरी वेन दंग वेन द फिश लाफ्ट

श होम एंड गिव दिस न्यूज टू माई फादर मतलब मुझे तुरंत घर जाना चाहिए और ये न्यूज अपने फादर को देनी चाहिए हु सेट दीज वर्ड्स ये वर्ड्स किसने बोले थे आमिर ने कहे थे जब शिवानी ने उनको बताया था कि हो सकता है फिश ने इसीलिए लाभ किया हो क्योंकि वहां ऑलरेडी कोई आदमी प्रेजेंट था तो आमिर जब जैसे उसको ये लॉजिक समझ में आता है तो वो क्या कहता है आई मस्ट रश हो मुझे तुरंत घर जाके अपने फादर को ये चीज बतानी चाहिए सो so, आमिर द वजीर सन सेट दीज वर्ड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन वट न्यूज डिड ही है उसके पास क्या न्यूज थी उसके पास ये न्यूज थी की फिश ने इसीलिए लाव किया होगा बिकॉज क्वीन के पैलेस में ऑलरेडी कोई मैन जो है वो प्रेजेंट है सो ही हैड द न्यूज दैट द फिश मस्ट हैव एज अ मैन हु एज हुईज वुमन ऑलरेडी एक मैन है जो एक वुमेन के भेष में है एंड एंटर द क्वीन्स पैलेस वो क्वीन के पैलेस में एंटर कर चुका है हो मेड हिम रियलाइज वॉट हैपेन्ड अब ये आमिर को किसने रियलाइज कराया था कि ये क्या हुआ होगा किसने रियलाइज करवाया था शिवानी ने हुआ शिवानी द फार्मर्स डॉटर शिवानी भास्कर डॉटर मेड हिम रियलाइज वॉट हैड हैपेन्ड उन्होंने उसने रियलाइज करवाया कि क्या हुआ होगा

एंड शी डिट वो सी एनी वो किसी से नहीं मिलना चाहती थी इसीलिए उन्होंने अपने चेंबर को लाइवली से चेंबर कोप को भवन में कन्वर्ट कर दिया कोप भवन मतलब आ, अर्लियर क्या होता था जैसे अगर क्वीन जो थी वो गुस्सा हो जाती थी ना तो एक लिटरली उनके लिए रूम होता था विच यूज टू बी कॉल्ड एस कोप भवन कोप मतलब होता था गुस्सा तो वो गुस्से वाला रूम होता था अगर क्वीन वहां पहुंच गई तो राजा समझ जाता था बेटा क्वीन का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा खराब है सो बी अलर्ट नेक्स्ट डू यू थिंक दैट द किंग वॉज डिस्टर्ब बाय द क्वींस थ्रेट टू लीव द किंगडम गिव रीजन फॉर योर आंसर तो तुम्हें लगता है कि जब रानी ने धमकी दी कि मैं अभी अपने डिओ फादर के घर चले जाऊंगी तो किंग जो थे वो घबरा गए थे वो परेशान हो गए थे ऑब्वियसली परेशान हो गए थे ये द किंग वॉज डिस्टर्ब बाय द क्वींस थ्रेट टू लीव द किंगडम जैसे मतलब अब यहाँ पे हमने यहाँ तक क्वेश्चन से लिया है कि हाँ जो किंग थे वो डिस्टर्ब हो गए थे कि जब रानी ने जो थ्रेट दिया धमकी दी दि कि मैं अपना ये जो है राज्य छोड़ के चली जाऊंगी अपने फादर के घर वाई आफ्टर लिसनिंग टू हर ही वेंट आउट ऑफ हिस्स माइंड उनकी बात सुनने के बाद वो एकदम उनका दिमाग खराब हो गया ही वेंट क्रेजी एंड कुड नॉट डिसाइड वॉट टू डू और उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें सो ही आज द वजीज टू सोल्व द मैटर इन अ वीक्स टाइम एल्स ही विल बी किल्ड तो उनका दिमाग खराब हो गया उन्होंने क्या किया घबराहट में उन्होंने अपने वजीर को बुला के बोला कि एक वीक के अंदर तुम तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो ये किसने आ, क्वीन को ऑफेंड किया है वो चीज का रीजन ढूंढो अदरवाइज आई किल यू तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इससे पता चलता है

Next question है, तो ने आमिर को एक strange man क्यों बुलाया था? रिमेंबर जब आमिर से भास्कर मिले थे रास्ते में तो आमिर ने क्या पूछा था भास्कर ने इनवाइट किया कि आप हमारे घर में खाने पे आएंगे तो आमिर ने कहा कि आपके घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं, बीम्स जो हैं वो इतने मजबूत हैं तो उसको समझ नहीं आया था इसीलिए उसने उन्हें स्ट्रेंज मैन कहा था यही आंसर हमें लिखना है भास्कर कॉल्ड आमिर अस्ट्रेंज भास्कर नहीं भास्कर कॉल्ड आमिर अस्ट्रेंज मैन बिकॉज वेन ही इन्वाइटेड हिम होम जब उन्होंने उसे घर इनवाइट किया था ही आस्ट हिम इफ द बीम्स ऑफ देयर हाउस वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ उसने क्या पूछा कि आपके घर की जो बीम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं तो यही की यही लाइन आप इसमें लिख दोगे बिकॉज वेन ही इन्वाइटेड हिम होम जब उन्होंने आमिर को घर इन्वाइट किया आमिर आज हिम अगर आमिर लिखोगे तो ही का ज्यादा क्लियर हो जाएगा आमिर आज हिम इफ द बीम्स ऑफ देयर हाउस इनफ क्लियर नेक्स्ट उसके फादर ने बता तो शिवानी ने आमिर के लिए क्या भेजा था अ बोल ऑफ पॉलिज ट्वेल्व चपातीस एंड अ ग्लासारिल्क सो दैट इज वॉट यू हैिवानी चपातीस एंड अल फुल्क क्लियर नेक्स्ट देखते हैं वो खाना अपने सन के साथ शेयर कर लिया था और उसने शिवानी को यह बात बताई भी नहीं थी तो शिवानी को कैसे पता चला बिकॉज वेन शिवानी गेव दिस तो क्या हुआ उसने एक जो है पजल सा बनाया था दैट दून इज फुल्ड देर आर ट्वेल्व थिंग्स तो क्या हुआ शिवानी को एग्जैक्टली exactly पता था वो क्या बोल रहा है एंड द अदर पर्सन अंडरस्टूडेड एंड व्हेन ही रिप्लाइड उससे शिवानी को समझ में आ गया खाना पूरा नहीं पहुंचा था तो यहां हम देख लेते हैं आंसर द मैन टोल्ड द सर्वेंट टू टेल शिवानी दिस मैन ने क्या बोला द मून इज न्यू देर आर टेन मंथस एंड द सी इज नॉट फुल एट ऑल तो जब शिवानी ने यह समझा अब मैन को तो पता नहीं था जो सर्वेंट है सर्वेंट को तो पता नहीं था इसका मतलब क्या है

शिवानी समझ गई कि उन्होंने पूरा जो खाना है वो स्ट्रेंजर को नहीं दिया था, और उसकी जो सर्वेंट था वो अनफेथफुल था अब इसकी जो है लेंथ देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस आंसर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो सबसे पहले मैन ने शिवानी को क्या बोला था द The moon is new. There are ten months, There are ten months, and the sea is not full at all. The sea is not full at all. So yaha se to man ke words. now you can write in your own words as well. You can write that as the servant did not understand these words, he repeated the words word by word in front of his mistress.

सपोर्ट द्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रे अब किंग का जो कैरेक्टर था वो इम्पलसिव भी था मतलब जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना और जेनरस भी था मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा देने का भाव दयालु भाव भी था तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस क्योंकि जब किंग के पास प्रॉब्लम आई तब उन्होंने बहुत ही इम्पल्स होके इम्पलिव होके क्या बोला कि नहीं आई डोंट केयर एक वीक में पता लगा अदरवाइज आई किल वजीर से कह दिया था बट व्हेन ही अंडरस्टूड दैट यस दे हैव बीन वेरी वाइज और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला देन ही रिवॉर्डेड देम विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट तो हम इस आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे इम्पल्सिव बिहेवियर तो पहले आप लिखोगे इंपल्सिव बिहेवियर

विदाउट थिंकिंग लॉजिकली उन्होंने लॉजिकली दिमाग लगाया ही नहीं सोचा ही नहीं अबाउट द इंसिडेंट दैट है एट द क्वींस पैलेस क्वीन के जो पैलेस में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लॉजिकली सोचे बिना उन्होंने वजीर को एक वीक का टाइम दिया और बोला अगर आप इसमें सोल्यूशन फाइंड नहीं करोगे तो आपको डेथ पेनाल्टी मिल जाएगी मतलब आपको मार दिया जाएगा ये हो गया उनका बिहेवियर नाउ लेट्स सी द जेनरस बिहेवियर किंग रिवॉर्डेड वजीर एंड हिज सन विद लैंड्स गोल्ड एंड ज्यूल्स किंग ने वजीर को उसके बेटे को लैंड्स गोल्ड और ज्यूल्स दिए तो इससे पता चलता है उनका बिहेवियर जेनरस भी था सो दैट इज इट अब इसमें जो है ये वाला हम आंसर इतनी बार लिख चुके हैं कि तुम्हें एक वीक का टाइम दिया है otherwise you will be killed. ये इतनी बार हम लिख चुके हैं कि अभी तक आपको याद ही हो गया होगा नेक्स्ट इज वाई ड आमिर बिलीव दैट शिवानी माइट बी एबल टू हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फिश आमिर को ऐसा क्यों लगा कि शिवानी जो है वो उसको हेल्प कर पाएगी टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम

स्टेटमेंट्स थे जो आमिर ने बनाए थे कि बीम्स ऑफ योर हाउस आर गुड इनफ स्ट्रफ तो उसको एक एक चीज समझ में आ गई तो उसको लगा ये बहुत इंटेलिजेंट है एंड शी वुड बी एबल टू हेल्प मी तो यहाँ हम इसको सही से पढ़ते हैं फिर से आमिर दैट शिवानी माइट बी एबल टू हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द फिश बिकॉज ही फाउंड हर वेरी इंटेलिजेंट उसको वो बहुत इंटेलिजेंट लगी क्यों एज शी अंडरस्टूड क्योंकि वो समझ गई थी the deep and wise meaning jo deep or wise meaning tha of all his sentences clear Do you find Amir to be intelligent? Justify your answer with examples from the play. क्या तुम्हें लगता है आमिर इंटेलिजेंट था Exactly, Amir was intelligent. How do you know that? क्योंकि आमिर ने जब वो भास्कर से मिला था you know the question he asked that are the beams of your house strong enough? इससे पता चलता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट था Also, the way he caught the thief. Caught the disguise impersonator, जो impersonator था मतलब जिसने बेश बदल के जो queen के palace में आया था उसको जिस तरीके से उसने कैच किया वो भी एक बहुत इंटेलिजेंट मूव था तो हम आंसर देख लेते हैं भास्कर हिम हिम होम ही इफ द द बीम्स ऑफ हाउस स्ट्रांग इनफ एंड फर्दर इन द स्टोरी ही टोल्ड द सर्वेंट टू टेल शिवानी दिस द मून इज न्यू देर आर टेन मंथ एंड द सी इज नॉट फुल एट ऑल From this it is clear that Amil was very intelligent as there was a deep and wise meaning in each of his sentences. Clear हमने यहाँ पे दो examples दिए हैं कि एक तो जब भास्कर ने आमिर को घर पे invite किया था उसने क्या पूछा आमिर ने If the beams of the house was strong enough और बाद में जब servant शिवानी का servant उसके लिए खाना लेके आया तो शिवानी ने जो बोला था कि the moon is full and there are 12 months and the uh, sky is full of uh, water or something tab wo us cheez ko bilkul samajh gaya and he exactly gave the right answer that the moon is new there are 10 months and the sea is not full at all to usne ye cheez ko samajh ke usi tarike se puzzle way mein usko answer kiya tha इससे पता चलता है कि आमिर जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था क्योंकि उसके हर सेंटेंस का एक डीप और वाइज मीनिंग था क्लियर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट वाई डू यू थिंक द मैन वॉज हाइडिंग इन द क्वींस पैलेस एज अ वुमन

उसका इंटेंशन क्या था उसका मकसद क्या था इंटेंट टू द स्पाई जिससे आपका झगड़ा हो रखा है राइवल मतलब आपका जो कंपटीटर किंगडम है हो सकता है वो उनका स्पाई हो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मैन हिडन इन द क्वींस पैलेस अ गुड वन

तरीका था कि उसने एक गेम एडवाइस किया मैजेस्टी की मेड्स के लिए मतलब मैजेस्टी मतलब क्वीन की मेड्स के लिए देयर वाज अ लार्ज पिट एंड द मेड्स हैड टू जंप ओवर द पिट फुल स्टॉप एक बहुत बड़ा गड्ढा था और जो मेड्स थी उनको जंप करके जाना था द विनर वाज टू बी रिवॉर्डेड विद थाउजेंड मोहरस और जो विनर होता उसको 1000 हजार सोने की अशर्फियां मोहर मिलती आम इस मेथड ऑफ फाइंडिंग द मैन हिडन इन द क्वीन्स पैलेस वॉज अ गुड वन अब ये जो उसका तरीका था ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था बिकॉज द मेल डिज गाइज एज वन ऑफ द क्वींस मेज कुड ओनली डू दिस क्योंकि जो मेल जो था जो कि क्वीन के बहर मतलब यू you नो know, जो एक वुमेन के आ, मतलब वुमेन के कपड़ों में जो तो वहाँ पे डिसगाइ था मतलब वो वहाँ पे रह रहा था सिर्फ वो आदमी इतना ज़्यादा स्ट्रोंग इतना लॉन्ग जंप कर सकता था अनदर मेथड कुड भी हॉर्स राइडिंग अब इसके अलावा जो है हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते थे बहुत सारी वुमेन को वहाँ पे उस टाइम पे हॉर्स नहीं राइडिंग नहीं आती थी तो वो एक हॉर्स राइडिंग का तरीका भी अपना सकता था So clear? Are we clear with this? चलिए, you have referred to a dictionary, but you have noticed that it does much more give you than the meaning of a word. Look at what information you can get from a dictionary. Look at how the word raucous appears in the online dictionary. Now the thing is raucous का मतलब हमको पता है. What is the meaning of raucous? एकदम sharp way में जो चिल्लाना होता है, जैसे वो जो होता है ना चाय वाला चिल्लाता है, fisher woman चिल्लाती है उस तरीके से. Now अब आप कभी भी कोई भी वर्ड एक डिक्शनरी में देखते हो तो आपको सिर्फ मीनिंग नहीं मिलता वो अलग बात है हम सिर्फ मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसमें हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं और वो सारा जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सारे ग्रामर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं बट वाई डिड आई गिव दिस क्वेश्चन हाफ टू यू क्योंकि एक बार यू हैव टू रेफर टू अ डिक्शनरी और डिक्शनरी में या ऑनलाइन गूगल पे आप जब किसी भी वर्ड का मीनिंग देखते हो तो आपको वहां क्या क्या दिखता है वो सारी चीजें एक बार यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड क्लियर

अब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे एंड दैट वुड बी हेल्पफुल दैट इज इट ऑल्सो रिमेंबर यू कैन विजिट आर वेबसाइट मैग्नेट ब्रिंस डॉट कॉम जहाँ पे आपको बिना किसी मुश्किल के सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल मिल जाएंगे यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्लास क्लिक ऑन द सब्जेक्ट क्लिक ऑन द टॉपिक एंड द वीडियो विल अप्योर दैट सेट थैंक यू सो मच आई सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई